वोट तो मांगने आइएगा ही, आना तो है ही ना, उसके बाद बताएंगे हम लोग कि कैसे वोट दिया जाता है। बताइए यदि आपके अंदर है तो आप जेटेड लीजिए, लेकिन ये जो नाटक कर रहे हैं ना कि 26,000 पहले लेंगे उसके बाद सकने, इसे मत समझाइए हमको। हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम भी बिरसा मुंडी की धरती का संतान है, हमें भी लड़ना आता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, हम अपने सरकार के खिलाफ लड़े। तो सरकार क्या चाहती है? वोट मांगना तो बड़ा हाथ जोड़ के आती है हमारे पास कि वोट दे दीजिए हम विकास करेंगे। यही विकास बार बार यही पूछना चाहते हैं कि 13-16 क्या गहरा रिश्ता है 13-16 के बाद आपके साथ? क्या है, क्या मेन चीज है उसके साथ? सरकार के खिलाफ सीटेट के सफल अभ्यर्थी ने मोर्चा खोल दिया है। आज भारी संख्या में राजभवन के समक्ष धरना पर बैठ गए हैं। बता दें कि पिछले 3 सालों से सीटेट के सफल अभ्यर्थी कई विधायक मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उनकी ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हालांकि सीटेट के तमाम अभ्यर्थी आज रणनीति बना है था कि आज ये लोग महाधरना देंगे और अपनी बातों को सरकार के सामने पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जीएन भारत के सवालों पर सीटेट सफल अभ्यर्थी ने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो जोरदार आंदोलन होगा, साथ साथ वाले भी जाएंगे हम लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबका दरवाजा खटखटाएंगे। हमारा मेरा उससे पहले का है, मेरा तो 1925 का है। हम 14 वर्ष के हम यहाँ आए, हम लेके नहीं आ पाए, वरना सरकार तो निकालेगी, हम तो देंगे। सर छोटा सा बात है, मेन बात है कि एनसीटी का रूल रेगुलेशन है, होता है एक, जो भी नियुक्ति होती है उसी आधार पे होती है। तो नियुक्ति के आधार पे कहा जाता है कि हर साल एक स्टेट को देना चाहिए, लेकिन वो तो जेटेड तो ले नहीं पाए। सिर्फ इतना साल 22 साल हो गया, जितना 22 साल हुआ उसमें से मोट 2 बार ली है। तो हम सर हम 28 में किए हैं, कोई 16 में किया है, कोई 17-18 जो भी किया है वो क्वालिफाई करके बैठे हैं। तो क्या करें सर, आप ले नहीं रहे हैं तो हमको सेंटर में तो जाना पड़ेगा। सेंटर पात्रता परीक्षा हम लोग पास किए हैं सर, उस केंद्रीय परीक्षा पात्रता को पास करने के बाद हम नवोदय स्कॉलर KBS इस समय टीचर बन सकते हैं, जो कि गुणवत्ता के आधार पर एक नया आयाम है। लेकिन आपका ये कहना कि नहीं आप उससे भी नीचे हैं, मतलब कहना क्या चाहते हैं? मतलब हम वहाँ बन सकते हैं, यहाँ नहीं बन सकते हैं? और एक बार बताइए, यदि आपके अंदर है तो आप जेटेड लीजिए, लेकिन ये जो नाटक कर रहे हैं ना कि 26,000 पहले लेंगे उसके बाद सकने, इसे मत समझाइए हमको। हम लोग ग्रेजुएशन के लड़के लड़का है, हम लोग को समझ में आता है बहुत सारा बात कि क्या सही है क्या गलत। पहला बात तो सर, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं चीज़ों की, पहले सरकार से बात करें। बात का समय हो गया ख़त्म, बार बार हर नेता के पास गए, हर किसी के पास गए, ज्ञापन सोचे, लेकिन लगता है टाल मटोल को छोड़ दिया। आज इससे पहले भी 25 सितंबर शायद आंदोलन हुआ था एक बार, और वो भी हो गया, आज हुआ है, इसके बाद अब इसके बाद जो भी नहीं माना गया तो फिर दूसरा आंदोलन होगा, साथ साथ न्यायालय भी जाएंगे, न्यायालय से हम चले ही गए और जाएंगे। उपनेम क्या करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम भी बिरसा मुंडी की धरती का संतान है, हमें भी लड़ना आता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, हम अपने सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो सरकार क्या चाहती है? वोट मांगना तो बड़ा हाथ जोड़ के आती है हमारे पास कि वोट दे दीजिए हम विकास करेंगे। यही विकास, ताकि हम सर बाहर से आए हैं, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हैं रांची, 12 घंटा का जर्नी करने के बाद हम यहाँ हैं कि पढ़े या हम आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे 4 दिन से हम दवाई खा खा के दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है, हमारे लाइफ का बात है। और ऐसे करने सरकार इतना और ये बात और क्या बोलती है, स्वरोजगार पे दीजिए, स्वरोजगार अपने जगह पे है। और आपको यदि नहीं देना था तो अभी BA TET को क्यों खोल के रखा, बंद कर दीजिए उसको। हम बार बार यही पूछना चाहते हैं कि 13-16 क्या गहरा रिश्ता है 13-16 के बाद आपके साथ? क्या है, क्या मेन चीज़ है उसके साथ? गुणवत्ता चाहिए आपको ना, हम लोग तो दे रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि JET वाले 13-16 वाले को मत दीजिए बैठने, नहीं बोल रहे हैं, वो भी बैठे, हम भी बैठे, हम लोग सब बैठ के जो जितना देखिए जितना ज़्यादा मात्रा होगा, फेयर कंपटीशन होगा, उतना अच्छा गुणवत्ता टीचर मिलेगा, है ना। लेकिन नहीं, इनको क्या है, उन्हीं से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो लगाव इतना है सर, आप वहाँ पे एक क्या बोलते हैं संवैधानिक पद पर बैठे हैं, घर का मुखिया नहीं है आप। आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ सब बराबर है, हम लोग सबको अपने एक नाम से रखना पड़ेगा। आप दीजिए, हम लोग तो बोल रहे हैं यदि आपको नहीं कर, यदि आप क्षमता में हैं कि हम JET करवा लेंगे तो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, वो पहला फेज, सेकेंड फेज वाला लॉलीपॉप हमको लोग को नहीं चाहिए, हमको फर्स्ट फेज भी चाहिए। यदि आप में दम है या आप में है क्षमता, हम बोलते हैं दम है तो JET लीजिए, और उसके बाद या तो नहीं है तो हम लोग तो पास किए ही हैं।
तो वो वेट करिए। मेन है आप यार सरकार का जो देख रहे हैं 15 तारीख तक हम निकाल देंगे, उससे पहले इसको तैयारी कीजिए, इसका पहले वैलिड करिए, ऐसे नहीं होने वाला है। और हम लोग तो आंदोलन तो करेगी साथ साथ, जहाँ जाना पड़ेगा जैसे जाना पड़ेगा वैसे करेंगे। सरकार को बोला, हम सरकार ये बोलना चाहते हैं कि आप जो मांग रहे हैं, खतियान मांग रहे हैं खतियान देंगे, पात्रता मांग रहे हैं पात्रता देंगे, आप जो मांग रहे हैं सब तो दे रहे हैं। बोल रहे हैं लैंग्वेज नहीं होता है, लैंग्वेज पर तो आप ले रहे हैं मेंस में। अरे फैक्ट बात करिए ना, आँख मूंद लिए नहीं हम तो देवे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग सर वो मतलब मूर्ख नहीं है, हम लोग को समझ में आता है कि आप क्या चाहते हैं और हम आप लोग कहाँ उलझाना चाहते हैं। सर हम लोग पढ़े लिखे समझते हैं चीज़ों को, इसलिए सर मूर्ख बनाना हम लोग को बंद करिए। और हम लोग मौका मांग रहे हैं, हम ये कभी भी नहीं बोले हैं कि हमको सर ज्वाइनिंग दे दीजिए, हम ये नहीं बोले हैं, हम बोल रहे हैं हमको मौका दीजिए बस। आज आप नहीं समझते हैं तो फिर आंदोलन तो हो ही रहा है, इंतजार ही रहा है, उसके बाद वोट तो मांगने आइएगा ही, आना तो है ही ना, उसके बाद बताएंगे हम लोग कि कैसे वोट दिया जाता है। वोट मांगने आ जाते हैं आप लोग, बड़े सर वोट हम लोग विकास करेंगे, यही विकास चल रहा है हम लोग के साथ, खेल रहे हैं खेल रहे हैं, मतलब बैठ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि हम लोग भी एक इंसान हैं। समझना चाहिए इन चीज़ों को, इसे सरकार से हमारा लास्ट एक विनती बोल सकते हैं, विनती कर करके सर थक गए हैं, कोई ऐसे ही आंदोलन करने नहीं आ जाता है। हम लोग भी सर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट का छोड़ करके हम यहाँ करने के लिए आए, अभी 4 साल पता नहीं हम लोग को, सीधा टीचर बोल देता है कि आंदोलन करने जा रहे हैं कल से पढ़ाने मत आइएगा। मेरा गया 15,000 का नौकरी, जो आप तक तो दे नहीं पा रहे हैं वहाँ से छीन भी ले रहे हैं मेरा। अभी हमको वहाँ से आए हैं सर, हमको बोला गया है कि आप गए हैं तो 4 दिन के बाद आप नहीं लौटे ना, 3 दिन में उसके बाद आपका नौकरी चला गया। हम लोग का वहाँ से जहाँ पढ़ाते हैं तो क्या करेंगे सर हम, वो भी गलत नहीं बोल रहा है, हम यहाँ आएंगे हमारा पढ़ने का काम है ना कि आंदोलन करने का, लेकिन ये लोग मजबूर कर देता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए सर लास्ट पॉइंट यही है कि देखिए हम लोग का मांग नियत है सही है, कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ हाँ ठीक है, बोलते हैं कि जरूरत जो है वो करिए, सीटेट को वैलिड करिए। हमारी बस यही मांग है कि सीटेट को वैलिड किया जाए झारखंड में, जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है हर जगह सीटेट को मान्यता दिया गया है, क्योंकि जो नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सरकार कोई भी स्टेट अगर वो अपना एस्टेट लेने में समर्थ नहीं है तो वो सीटेट को वैलिड करे। तो बस हमारे झारखंड की भी कंडीशन यही है कि जब से हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ, जो हम संगठन हुआ इसके 22 साल पूरे हो गए, लेकिन बस 2 ही बार यहाँ पर जेटेड का आयोजन हुआ है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जब 6 साल से जेटेड हुआ नहीं है तो सीटेड को वैलिड दे, ताकि हमें भी मौका मिले जो आने वाली वैकेंसी जो फर्स्ट फेज में जो हमारे सरकार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी दे रहे हैं 26,000 की जो वैकेंसी दे रहे हैं, तो उसमें हमें भी मौका मिले ताकि हम भी जो है परीक्षा में बैठ पाए। बस हमारी यही मांग है कि सीटेड को वैलिड करें, क्योंकि जेटेड 6 सालों से लिया नहीं गया है, जिसकी वजह से जो 6 साल का जो गैप है वो काफ़ी समय होता है एक स्टूडेंट के लिए तैयारी करना। तो हम यही चाहते हैं कि सीटेट को वैलिड करें झारखंड में और हमें भी मौका दिया जाए परीक्षा में बैठने के लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।